अब भाई इस वीडियो में कोई सासा बैंक की अपडेट नहीं होने वाली है, क्योंकि उसको कवर करने वाले हम नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाला द ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द ट्राइबल रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस आने वाले रॉ पे, कौन सा एपिसोड में आएंगे, कब आएंगे, कैसे आएंगे सब बताने वाला हूँ। और यहाँ हम बात करने वाले भाई एज के बारे में, क्योंकि एज ने जो है ना जजमेंट डे का फोर्थ मेंबर टीज कर दिया, टीज करके एकदम कन्फर्म ही कर दिया है। और जॉन सिना ने भी अपने रिटर्न टीज की, तो भाई क्या है पूरा मैटर वो आपको बताएंगे। सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लो बिना स्किप किए। अगर आपने स्किप किया तो बहुत कुछ मिस कर जाओगे। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देता हूँ, शेयर कर देना, क्योंकि चैनल पे आपको WWE की न्यूज अपडेट देखने को मिलती रहती है। चलिए आज के मार्केट को स्टार्ट करते हैं। गाइस बातों को शुरू कर लेंगे भाई एज के साथ। तो भाई एज ने ना बहुत बड़ा यहाँ पे टीज ड्रॉप किया है। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे ट्विटर हो गया चाहे इंस्टाग्राम हो गया, सब पे जो है ना टमाटो चैंपा के पोस्ट डालती है विदाउट कैप्शन। और ये विदाउट कैप्शन वाला काम तभी पता है जो टीज कर रहे होते तभी किया जाता है। और यहाँ पे साफ साफ भाई चैंपा की पोस्ट डाली है। ये भी कोई ऐसी वैसी पोस्ट नहीं है, ये पोस्ट है भाई उस दिन की जिस दिन का NXT में लास्ट दिन था। तो ये भाई लास्ट दिन है वहाँ का, और ये मेन रोस्टर में आ चुके हैं। और ये चीज़ कन्फर्म हो चुकी है तो वो जजमेंट डे में आने वाला है। ये सच में बहुत बड़ा टीज है। यहाँ पे जैसा कि कहा एज ने कि जजमेंट डे ने अपने जो हाथ खोल रखे, जिसको भी आना आ सकता है। और यहाँ पे भी फिन बैलर को भी इनवाइट किया जाता है। तो यहाँ पे आप मान लो भाई फिन बैलर, एजे स्टाइल को तो नहीं आएंगे, फिन बैलर और टमाटो चैंपा ये दोनों ही आने वाले। कैसे बात कर लेंगे भाई लोगन पॉल के बारे में। तो भाई लोगन पॉल जो हमने अपनी विंस मैकमैन के जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके बारे में बात करते, कहते हैं कि मैं जो है ना विंस मैकमैन के ऑफिस में बैठा था, वहाँ पे जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वहाँ बैठा था। मैं विंस मैकमैन से मिला, मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा कि आई एम द होस्ट ऑफ द नंबर वन पॉडकास्ट इन द वर्ल्ड विंस, ही सेड नथिंग। इसका मतलब ये है कि देखो लोगन पॉल जो है मिलने चाहते हैं मिस्टर मैकमैन से, कहते हैं भाई देखो मिस्टर मैकमैन मैं हूँ भाई नंबर वन पॉडकास्ट का होस्ट। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ से जो है मिस्टर मैकमैन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भाई आराम से चुपचाप बैठे अपनी मस्ती में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई आगे वाला जो पॉडकास्ट का होस्ट है चाहे कोई और है, उनको बस एक ही चीज़ का फर्क पड़ता है वो है WWE से। कैसे बात करेंगे भाई WWE की न्यू साइनिंग से। तो आपको पता है WWE जो है ना फिलहाल जो है टैलेंट रिक्रूट करने गई थी स्कूल और कॉलेज में। तो यहाँ पे इन्होंने जो स्कूल की जो लड़की है उसको जो साइन करवा लिया है, उसका नाम होने वाला है थिया हेल। पता नहीं अजीब अजीब से नाम होते हैं अमेरिकन के। लेकिन भाई उसकी एक आधी फोटो मेरे को मिल जाएगी तो मैं लगा दूंगा, ज्यादा फोटो तो अवेलेबल नहीं, एक आधी हुई तो मैं लिखा दूंगा। तो इनको जो साइन कर लिया गया ऑफिशियली WWE के द्वारा। तो अगर बात करें तो भाई WWE के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में, तो भाई फैक्ट ये है कि आज से ठीक 7 साल पहले यहाँ पे जो है ना केविन ओवेंस ने जो मेन रोस्टर में डेब्यू किया था, और उन्होंने कन्फर्म किया था भाई जॉन सीना को, उस टाइम यूनाइटेड स्टेट चैंपियन थे जॉन सीना और NXT चैंपियन थे केविन ओवेंस। आज से ठीक 7 साल पहले जो उन्होंने है ना मेन रोस्टर में डेब्यू किया था। 7 साल कब निकल गए पता ही नहीं चला यार, लिटरली मानना पड़ेगा केविन ओवेंस इज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंटेड गाइस ऑफ दिस जनरेशन। भाई कमेंट्री ले लो, एक्टिंग ले लो, भाई हर चीज में जो केविन ओवेंस एकदम टॉप पे। केविन ओवेंस भाई धीरे धीरे मेरे फेवरेट बनते जा रहे हैं। आपके थॉट्स है केविन ओवेंस पे आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे बात कर ले तो भाई जॉन सिन्हा के रिटर्न टीज के बारे में। तो जॉन सिन्हा जो हाल ही में इंटरव्यू में आए होते और वहाँ पे वो बात करते हुए कैसे जो इस साल बड़े बड़े लोग जो यहाँ पे जो 20 साल पूरे होने वाले हैं उसमें मेरा भी नाम शामिल है, बटिस्टा, रैंडी ऑर्टन, ब्रॉक लेसनर, इन सब के जो 20 साल है वो इसी साल पूरे होने वाले हैं। और मुझे पता है भाई ये काफ़ी बड़ी बात होती है। और यहाँ पे वो बात करते हुए WWE फिलहाल जो है काफ़ी जो कूल थिंग्स चल रही है और मैं उनको मिस नहीं करना चाहता, मैं वेट कर रहा हूँ भाई कब मुझे रिटर्न करना पड़े, मैं जो जल्दी से जल्दी रिटर्न करना चाहता हूँ क्योंकि भाई काफ़ी लंबा टाइम हो गया कि मैं वहाँ से बाहर हूँ। तो यहाँ पे भाई साफ साफ यहाँ पे टीज कर दिया है। तो भाई जॉन सिन्हा ने रिटर्न तो टीज कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशली उन्होंने 20 साल कंप्लीट होने वाली बात की है ना, ये तो भाई उसी चीज़ की तरफ हिंट करता है कि जो 27 जून का जो रॉ का एपिसोड होने वाला है वहाँ पे भी करने वाला है जॉन सिन्हा रिटर्न। और वहाँ नहीं कर देना तो भाई बहुत जल्दी आपको जॉन सिन्हा का रिटर्न देखने को मिलने वाला है, इस चीज़ की मैं गारंटी ले सकता हूँ। बात कर लें भाई सोनिया डेविल के बारे में, तो आप सब जानते हो जो पिछला रॉ का एपिसोड था वहाँ पर सोनिया डेविल एलेक्सा ब्लिस का मैच हुआ था, सोनिया डेविल हार गई थी और फिर सोनिया डेविल ने जो रेफरी को एक थप्पड़ मार दिया था। भाई सोनिया डेविल जो ऑफिशियल तो है नहीं, वो एक WWE सुपरस्टार, तो ये जो उन्होंने किया वो है इलीगल। तो इसके ऊपर ही जो एडम पियर्स का है ना रिएक्शन आ चुका है। एडम पियर्स ने कहा भाई सोनिया डेविल को जो एक फाइन लगा दिया गया है। यहाँ पे एडम पियर्स ने भाई कितने का फाइन लगाया सोनिया डेविल पर ये तो उन्होंने नहीं बताया, हो सकता भाई अगले रॉ के एपिसोड में बता दे या फिर कुछ और कहानी जाती है तो पता चल जाएगा। वरना भाई यहाँ पे जो सोनिया डेविल है उन पर फाइन लग चुका है कि उन्होंने भी हाथ उठाया था रेफरी पे। ऐसे बात कर ले तो भाई एलेक्सा ब्लिस के बारे में, तो भाई रॉ के एपिसोड में आपने देखा कि एलेक्सा ब्लिस को एक न्यू थीम सॉन्ग मिल चुका है, तो उस पर जो एलेक्सा ब्लिस का रिएक्शन आता है, एलेक्सा ब्लिस लिखती है WWE म्यूजिक द होल सॉन्ग इटसेल्फ इज प्रीटी ऑसम नॉट गोइंग टू लाई। तो यहाँ पे जो एलेक्सा ब्लिस उनको भी सॉन्ग काफी पसंद आया है और वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे सच में सॉन्ग पसंद आया और हाँ सॉन्ग ठीक ठाक है। अभी तो WWE ने चेंज कर दिया, अपन तो कुछ कर नहीं सकते, वरना जो पुराना वाला सॉन्ग था ना वो काफी कमाल का था, पिछले 7 साल से वही था। तो वैसे आपको कौन सा सॉन्ग अच्छा लगता है, ये वाला या फिर पुराना वाला, आप मुझे बता सकते हैं। ऐसे बात करते हैं नेक्स्ट में अपडेट के बारे में, जो ट्राइबल चीफ द हेड ऑफ द ट्राइबल एक्नॉलेज मी करंट एंड डिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। तो भाई रोमन रेंस आने वाले रॉ पे और ये रॉ का एपिसोड होने वाला है भाई 25 जुलाई का रॉ का एपिसोड। और रोमन रेंस की बात है वो बता देता हूँ, ये भाई मेडिसन स्क्वायर गार्डन का एपिसोड है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 14,000 लोग आते हैं और यहाँ पे काफी बड़ा ये शो माना जाता है WWE की तरफ से। वैसे भी जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन है वो काफी फेमस अरीना है WWE की इंडस्ट्री में। तो यहाँ पे जो है ना एकदम कन्फर्म मान सकते हो रोमन रेंस रोंडा जी दोनों चैंपियंस आने वाले भाई 25 जुलाई के रॉ का एपिसोड में। और 25 जुलाई को जो ना रे मिस्टीरियो के 20 साल पूरे होने वाले, तो ये भी एक अपडेट थी जो मैंने पिछले वीडियो में दी थी, लेकिन सोचा इसमें भी दे देता हूँ। सो गाइस इस वीडियो के लिए इन्फॉर्मेशन थी, मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो के साथ।